नमस्कार, मैं हूँ सपना श्री। चल रहा है अश्विन मास और अश्विन मास के पहले 15 दिन यानी जिसे हम कृष्ण पक्ष या अंधेर पक्ष कहते हैं, इस समय में चांद अपनी कलाओं में धीरे धीरे घटता जाता है, अर्थात पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। जब चांद धीरे धीरे कम होता जाता है, उस समय में पितरों की पूजा उपासना की जाती है, उनके निमित्त भोजन दिया जाता है। लेकिन इसी अश्विन मास के बाद के 15 दिन जिसे हम उजाला पक्ष कहते हैं या शुक्ल पक्ष कहते हैं, इसी समय में चांद अपनी कलाओं में अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उस समय में देवी दुर्गा माँ जगदम्बे की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों की पहले पूजा करते हैं उन पर देवी अवश्य प्रसन्न होती है। नवरात्रि अर्थात जब आप 9 रातों तक माँ की पूजा उपासना करते हैं, माँ के 9 स्वरूप हैं, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी व नवीं सिद्धिदायत्री है। इसी नवरात्र में आप एक व्रत अर्थात आप एक गोलाकार परिधि के अंदर रहते हैं। जब आप नियम धर्म का पालन करते हैं, फलाहार करते हैं, लोग अपने पे जो आश्रित लोग हैं उनकी आप मदद करते हैं और सात्विक व्यवहार रखते हैं, घर में जो आपकी स्त्री है उसका आप आदर सम्मान करते हैं, चाहे वो आपके माँ के स्वरूप में हो या आपकी जीवन संगनी हो या फिर आपकी बिटिया हो, तो इसी नवरात्र में आप भी देवी की कीजिए पूजा अर्चना। मैं आपको बताऊंगी कि किन खास सावधानियों का आपको रखना है खास ध्यान। कलश की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 6:16 से लेकर 7:40 तक, कुल अवधि 1:24 की रहेगी। लेकिन यदि आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाए हैं तो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा 11:47 से लेकर 12:35 तक। प्रतिदिन पड़ने वाला 1 घंटे का ये अभिजीत मुहूर्त होता है जो किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो शाम 4:40 से लेकर 6:10 तक रहेगा। इस समय में किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है, वर्जित माना जाता है, क्योंकि कलश की स्थापना माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इसी कारण से मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के इस त्यौहार को मनाने का एक साइंटिफिक कारण भी है और इस समय में धूनी करने का भी एक साइंटिफिक कारण है। वास्तव में इस समय में जब मौसम बदल रहा होता है और धीरे धीरे हम सर्दी के मौसम की तरफ होते हैं, इस समय वातावरण में चारों ओर बहुत सारे कीट पतंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स अपने आप पैदा हो जाते हैं। इसी कारण से आपको घर में प्रतिदिन धूनी करनी चाहिए, उपले की धूनी, जिसमें आप थोड़े से गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं फलाहार के ऊपर। नवरात्रि के इस मौसम में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। पुराने समय में लगभग सभी लोग नवरात्रि पूजन करते थे और इस समय में अल्पाहार करते थे, प्रातः जल्दी उठते थे, देवी दुर्गा की पूजा उपासना करते थे। आपको भी इसी नियम को फॉलो करना चाहिए क्योंकि इस समय में बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, यानी इस समय में आपके अंदर बहुत तरीके की चेंजेस आ रहे होते हैं, इसलिए आपको फलाहार का प्रयोग करना चाहिए, गलत व्यवहार से, गलत विचार से दूर रहना चाहिए, प्रातः जल्दी उठना चाहिए और संध्या समय देवी की आरती करके उन्हें भोग लगाकर जल्दी ही आपको सो जाना चाहिए। नवरात्रि पूजन में कुछ खास सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपके घर का मंदिर हमेशा आपके घर के नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण या उत्तर पूर्व में होना चाहिए। दूसरी खास बात, यदि आप अपने घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपके मंदिर का जो साउथ ईस्ट है यानी कि जो दक्षिण पूर्व कोना है वहां पर आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए। तीसरी बात, जब आप देवी दुर्गा की उपासना करते हैं तो आपको आसन बिछाकर सदैव उस पर बैठकर ही पूजा उपासना करनी चाहिए। लाल रंग के आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं, कुशा के आसन का प्रयोग कर सकते हैं, कंबल का आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और खास बात, आपके मंदिर में देवी दुर्गा की एक ही प्रतिमा होनी चाहिए, चाहे वो मिट्टी की हो या किसी मेटल से बनी हो, लेकिन प्रतिमा थोड़ी भारी होनी चाहिए वजन में,
और साथ साथ जो मुख मुद्राएं हैं, जब आप देवी के स्वरूप को देखें तो आप उस मूर्ति से कनेक्ट हो जाएं, ऐसी मूर्ति का आपको चयन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर, स्नान ध्यान कर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आपको प्रतिदिन माँ की पूजा आरती करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और साथ साथ पूरे परिवार को एक ही साथ बैठकर अपने घर में पूजा करनी चाहिए। लेकिन नवरात्रि में धूनी करने का, उपलिए की धूनी करने का विशेष महत्व है। मेरी तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। देवी दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे। प्रतिदिन मैं आपको बताऊंगी कि किन सावधानियों का आपको प्रयोग करना है, देवी के किस स्वरूप की पूजा अर्चना आपको किस प्रकार करनी है, कौन से वस्त्रों का आपको प्रयोग करना है, कौन सा है वो विशेष भोग जिससे देवी आप पर प्रसन्न रह सकती है। अब आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।